हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं दिल्ली की फूल मंडी, जो कि छतरपुर सॉफ्टवेयर रोड पे है। एंड दिल्ली वाले तो यहाँ विजिट कर ही सकते हैं। मेरे साथ बस आगे आगे देखते जाइए कि और मैं क्या क्या चीज़ें आपको और एक्सप्लोर कराती हूँ, एंड कितने तरीक़ों के फ्लावर्स मैं आपको उधर दिखाती हूँ, और कैसे वो मिलते हैं, क्या प्राइजिंग होती है, और मतलब क्या क्या कहते हैं ना वेराइटी, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सस्ते तो हैं बट अच्छे होंगे कि नहीं। तो मैं आपको ये भी चीज़ें सारी बताऊंगी, तो आगे आगे बस मेरे साथ देखते जाइए। एंड यस, यहाँ पे जो आप लीव्स देख रहे हैं, ये ओकेजनली इतना एक्सपेंसिव तो नहीं मिलती है, बट क्योंकि गणेश चतुर्थी और नवरात्रि, दिवाली, इन टाइम पे डेकोरेशन का काफ़ी काम होता है इन सब से, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट हाई होती है। बट अगर कंपैरिजन करोगे आप किसी भी फ्लावर शॉप से ना, यहाँ पे अफोर्डेबल होगा। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इस मार्केट के आसपास हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए। ओकेजन्स में आप इतने पैसे वेस्ट करते हैं, वेस्ट इन द सेंस एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं हर एक ये फ्लावर्स वगैरह मालाओं के लिए, तो मैं यहाँ पर आज आपको माला दिखाऊँगी, फ्लावर्स दिखाऊंगी और क्या क्या प्राइजेस हो सकते हैं आगे वो दिखाऊंगी। वैसे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट पहुँची थी, तो इसलिए शायद मैं इतनी चीज़ें, इतना क्राउड ना कवर कर पाऊँ, क्योंकि इतना है भी नहीं आज तो, लेकिन यूजुअली काफ़ी होता है ओकेजन्स के टाइम पे अगर सुबह सुबह आऊँ तो बस देखते हैं, लेट्स गो। ये जो आप रोज़ पेटल्स देख रहे हैं ना, इसमें भी पता है अलग अलग वेराइटीज़ होती है, काइंड ऑफ थ्री टाइप ऑफ वेराइटीज़, जिसके अंदर एक होते हैं रोज़ पेटल्स ही होते हैं सिर्फ, और सेकंड होता है जिसके अंदर पेटल्स भी होते हैं, रोज़ेस भी होते हैं, और एक होता है प्रॉपर जिसके अंदर छोटे छोटे रोज़ेस होते हैं, जिससे आप मतलब ईजिली अच्छी खासी डेकोरेशन कर सकते हो, माला वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये मैरीगोल्ड फ्लावर्स, जिसे हम गेंदे के फूल बोलते हैं, ये पूरा एरिया ना हमेशा गजा गज भरा होता है गणेश चतुर्थी के टाइम पे। इससे पहले वाले जब मैं आई थी हमें 2022 में, तो ये मतलब लाइक पैर रखने की जगह नहीं थी, फूल भी पैरों के नीचे ही आ रहे थे, इतने ज़्यादा वो थे। इस वक्त पे मैं इस बार थोड़ा सा लेट हो गई, पहले मैं बहुत जल्दी गई थी, इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, 7:00 तक, 7:30 तक मैं यहाँ पहुँची थी, तो इसलिए शायद मार्केट थोड़ा बहुत मतलब इधर ये पूरा कम हो गया। पता है यहाँ पे फ्लावर्स की वेराइटीज़ होती हैं, बहुत ध्यान से यहाँ देख के लेना पड़ता है, क्योंकि ना आप थोड़ा सा आगे से लोगे तो थोड़ा बहुत लाइक 50-100 रुपीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं ये, थोड़ा थोड़ा पीछे जाते जाते हो थोड़ा रेट नेगोशिएट भी करना पड़ता है आपको थोड़ा, जैसे आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो लाइक 5-10 केजी फ्लावर्स ले रहे हो एक उसके, तो थोड़ा सा नेगोशिएट करते हो ना, तो कभी कभी ये मान भी जाते हैं, बस साथ में अगर कोई और ना खड़ा हो तो। या गेंदे के फ्लावर में भी ना अलग अलग वेराइटी होती है, मतलब थोड़ा सा एक होता है बिल्कुल फूला हुआ, मतलब बहुत गोल गोल बड़ा बड़ा, एक होता है थोड़े नॉर्मल साइज़ में, एक थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे तो आपने यूजुअली मतलब अपने घर के नॉर्मल मार्केट्स में भी देखे होंगे, तो जो बड़े वाले होते हैं ना वो थोड़े से महंगे मिलते हैं, जैसे अगर 100 रुपीज़ केजी मिलता है अगर नॉर्मल छोटा वाला, तो फिर होगा 150 दूसरा मीडियम वाला, फिर जो सबसे अच्छा होता है वो मिलता है डायरेक्टली 200 केजी, तो ऐसे करके वो मिलते हैं ऐसी फ्लावर्स में भी जो मैंने आपको समझाया। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो रोज़ेस का, पता है इस जगह आते ही ना मतलब इतनी प्यारी सी ऐसे फ्रेग्रेंस आ रही थी ना रोज़ेस की, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर पता है आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो माला है ना, यहाँ पे ये माला भी बहुत मतलब सही मिलती है। यूजुअली अगर जो माला आपको थोड़ी मोटी अच्छी वाली माला अगर आपको 100 रुपीज़ की मिलेगी, तो यहाँ पे समझ जाओ मतलब 60 में मिल जाएगी इजीली, बट क्योंकि अभी फेस्टिवल है तो ये खुद ही वो 100 या 150 200 की खुद ही ये दे रहे होंगे, तो अगर ये यहाँ पर मिल रही है इट मीन्स ये बाहर 150 वाली माला या 100 रुपीज़ वाली माला जो है वो बाहर 200 समथिंग की, तो डेफिनेटली मतलब मोस्टली 150 रुपीज़ का डिफरेंस तो होता है बाहर से। यहाँ से ना मैंने ये जो जैस्मिन फ्लावर्स की माला है ना, मैंने ये भी ख़रीदी थी, यूजुअली ये इतनी महंगी मिलती नहीं है, बट पूरी मार्केट में ये माला 150 रुपीज़ की मिल रही थी, जो कि मैंने इसमें इनसे, क्योंकि मैंने लोटस के फ्लावर्स भी लिए थे 5, तो इनको मैंने बोला तो ये इन्होंने मुझे 100 की दे दी थी, और इससे मैंने अपना गजरा भी बनाया था। एंड ना यहाँ पे दुर्वा घास और यहाँ पे डेकोरेशन का जो जो सामान है, और ये जैसे कि आप देख ही रहे हो कैसे माला बना रहे हैं, यहाँ पे ये एक अकेले नहीं है, ये पूरी रो माला बनी हुई देते हैं, मतलब खुले फ्लावर्स भी देते हैं,
और ये जो है ना, ये पता है 3000 रुपीज़ का था डेकोरेशन के पूरा साथ, ये जो दरबार पूरा बनता है फ्लावर्स का, तो ये यहाँ पे ऐसे दे रहे थे। मतलब बाहर से यहाँ पे थोड़ा सा नेगोशिएट करोगे ना, डेफिनेटली कर लेते हैं, बाकी तो इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ पे ना ये देख रहे हो आप फ्लावर्स, ये ना बंचेस बना के रखते हैं, जैसे 200 का एक बंच मिल जाएगा, कोई थोड़े एक्सपेंसिव फ्लावर्स होंगे वो 300 के मिल जाएंगे, जैसे रजनीगंधा का मैंने पूछा था वो 300 का था। और यहाँ पे पता है आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि कभी आप प्रेजेंट वगैरह देने के लिए किसी को बुके गिफ्ट करते हो, तो यहाँ पे आप जितना यूजुअली आप बाहर पैसा देते हो ना, आप यहाँ आके डिफरेंट ऑफ फ्लावर्स लेके उनका पूरा बंच बनवा सकते हो, तो उतने पैसों में काफ़ी बड़ा बंच आपका बन जाएगा। एंड यहाँ पे ना मैं प्राइसिंग की बात करती हूँ, यहाँ पे हर एक बंच जो होता है ना वो फेस्टिवल टाइमिंग पे वो होता है 200 to 300, जिसके अंदर कुछ फ्लावर्स होते हैं लाइक 12, 20 या 4, जितना एक्सपेंसिव फ्लावर होगा उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी होती है। एंड यहाँ पे जो गेंदे के फूल होते हैं ये भी आपको मिल जाते हैं लाइक 250, 100, और नॉर्मल डेज में अगर आप जाओगे ना, लिटरली बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ kg और 80 रुपीज़ kg, अगर अच्छा फूल है तो 100 भी चलो मान लेते हैं, तो यहाँ पे उतना डिफरेंस आ जाता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताना मैं नेक्स्ट वीडियो कहाँ की बनाऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी, बाय।